हेलो, थैंक यू गुलशन मैडम एंड वेलकम इन द सेशन. वेलकम एवरीवन ऑन द सेशन ऑफ ई बुक डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज टाइप्स एंड द ई बुक. शेयर स्क्रीन पर हाँ, आप सभी लोग डिजिटाइजेशन से कितने अवेयर हैं? डिजिटाइजेशन क्या होता है, ई बुक क्या होता है, ये आप अवेयर होंगे. अभी मैम शेयर्स भी शेयर कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशंस. माय टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग ई बुक टाइप्स एंड पॉसिबिलिटीज. What are e-books? An e-books are the electronic publication, non-editable text. जो हमारी e-books होती हैं वो जो e-books होती हैं हमारी वो PDF format के अलावा जो touch mobile tablets के ऊपर होती हैं, mobile device पे ओपन हो जाती हैं, smartphones के लिए ओपन हो जाती हैं. जो भी books बनाई जाती हैं smartphones के लिए, e-book के लिए, जिसको भी हम digitally access कर सकते हैं वही e-book कहलाता है. Next slide. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई बुक्स? ई बुक्स हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस. एनसीआरटी यूज इज द इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन बुक्स. मोबी पॉकेट्स, अमेजोन किंडल फॉर्मेट्स, ये अमेजोन के लिए यूज होता है. ई बुक जो हम एनसीआरटी में यहाँ पे यूज होता है ईपब के लिए, इसकी अलग हम लोग इसके आगे बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बाद हम लोग यूज करते हैं पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट. पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स आप लोग सभी लोग अवेयर होंगे पीडीएफ के बारे में. जितना भी कंटेंट्स हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं वो जितना भी ऑनलाइन कंटेंट मिलता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है. आई बुक्स होता है एप्पल आई बुक फॉर्मेट्स के लिए होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट सीबीसी एंड सीबीआर, दीज फॉर्मेट्स आर यूज फॉर द कॉमिक्स एंड मैगना ई बुक्स. सीबीसी स्पेशली कलेक्ट ऑफ इमेजेस फाइल्स. DigiView is another format. It is primarily used for the scanned documents, especially those with complex images and diagrams. Microsoft Readers is another types of e-book है, LIE. Was developed by the Microsoft for their Microsoft Reader software. However, this format has become less common over time. HTML already aware the hypertext markup language. Some books are created in the hypertext markup languages. And another one is a plain text, normal text file, while not a specialized ebook format. Plain text files can be used for the simple ebooks that do not require complex formatting or images. Interactive and multimedia ebooks, वो उन सभी ebooks में जो कि हम लोग बनाते हैं, जिन लोगों को हम जिन बुक्स को हम क्रिएट करते हैं उनके साथ इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए, जैसे कि H5P कंटेंट हम उसमें ऐड कर देते हैं, कोई भी क्लिक्स, इमेजेस, एनिमेशंस हम जिन बुक्स के साथ हमें ऐड कर देते हैं उनको इंटरेक्टिव बुक्स कहा जाता है. डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स. डिजिटाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ट्रेडिशनल प्रिंट टेक्स्ट बुक इंटू द डिजिटल फॉर्मेट्स दैट कैन बी एक्सेस रीड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, ई रीडर्स एंड स्मार्टफोन्स. It involves transforming the content, layout, features of the printed textbook into a digital version that can be viewed and interacted with electronically. And the next slide is NCERT uses three types of ebooks: PDF, as we have already discussed on the PDF portable document format, and the second one is flipbook, and third is electronic publications. We will discuss in detail in later. Next slide. What is EPUB? Electronic publication. EPUB 3 means version 3. ये electronic publication is a standard format for the digital publication and ebook. It is version of the EPUB standard developed by the international digital publication firms and first introduced in 2011. ये EPUB जो है हम लोगों का 2011 में डेवलप हुआ था जिसको हम यूज करते हैं. फिलहाल EPUB 1 से स्टार्ट हुआ था ये. फिलहाल इसका वर्जन अपडेटेड हो चुका है. EPUB 3 हम लोग यूज करते हैं. EPUB 3 इज डिजाइन टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल कंटेंट फीचर्स रिच प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटेंट.
Why do we need? Why do we need EPUB? We have already cross-platform compatibility. वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा. EPUB फाइल्स आर कंपेटेबल विद द वैरायटी ऑफ द डिवाइसेस इंक्लूडिंग टैबलेट्स स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स. EPUB वर्क्स ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कैन बी रीड वेरियस सॉफ्टवेयर्स एंड EPUB दैट क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी एंश्योर्स दैट द डिजिटल पब्लिकेशन कैन वाइड ऑडियंस एंड कैन बी एक्सेस्ड ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस. रिफ्लोएबल कंटेंट, इट इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज. जैसे कि हम कोई मोबाइल यूज करते हैं जिसके ऊपर हम उसको ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल साइज ले लेगा. अगर हम टैबलेट्स के ऊपर करते हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा टैबलेट्स के अकॉर्डिंग. और अगर हम कंप्यूटर के ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के इस फॉन्ट साइज पर एडजस्ट हो जाएगा. कोई पिक्सलेट नहीं होगा, कुछ भी फटेगा नहीं और कुछ भी ब्लर नहीं होगा. ऑटोमेटिकली 100% एंड द ओरिजिनल कंटेंट के साथ आपको दिखाई देगा. इंटरेक्टिव फीचर्स, हम लोग ईपब के साथ क्विजेस बना सकते हैं, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, H5P ऐड कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, कोई एनिमेशंस दे सकते हैं. तीसरा एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टेक्स्ट टू स्पीच फीचर्स. हम लोग एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंटेंट अगर हम लोग उसको ऑडियो फाइल्स में कन्वर्ट करना चाहें और ऑटो रीड पे लगाएंगे. जैसे कि आजकल एक्सेसिबिलिटी का फीचर्स वो लोग जो पढ़ नहीं सकते, जिन लोगों को सुनकर पढ़ना है, जैसे कि फिजिकली एक्सेसिबल पर्सन्स के लिए एक्सेसिबिलिटी का फीचर अडॉप्ट किया जाता है. जैसे अगर कोई भी बुक्स है जिसको कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो हमारे उसी भी 100% उसका फीचर्स एक्वायर करने के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है ईबुक में. यानी कि उनका सारा का सारा कंटेंट जो है वो ऑटो रीड पे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीडर्स पढ़ेगा उसको. डिजाइन एंड स्टाइलिंग, हम लोग ईपब को स्टाइल्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, उसमें सीएसएस लगा सकते हैं, एचटीएमएल लगा सकते हैं. सीएसएस एक अलग वाइड सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे. ये आप W3 स्कूल से पढ़ सकते हैं, जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हैं. कास्केड स्टाइल शीट बेसिकली यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द बुक्स. ईपब जो है वो तीन चीजों का फॉर्मेट लेके बना हुआ होता है, जिसमें एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स बनता है जो सपोर्ट करता है कास्केड स्टाइल शीट्स को, जो हम लिंक करेंगे उसके साथ, जो कि उस कंटेंट को डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए काम आता है. डायनामिक अपडेट्स एंड रिविजन, हम लोगों को अगर कोई बुक में चेंज करना है तो हम लोगों को दोबारा से उसको रिप्रिंट नहीं करना है, ना ही एक्सपोर्ट करना है जैसे कि हम पीडीएफ के साथ करते हैं. हम लोगों को जस्ट जहां पे चेंजेस हुआ है वहां जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं. ये ईपब की फैसिलिटी है. एट द नेक्स्ट स्लाइड, कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग एक बुक को एक जगह हम अपलोड करेंगे, उसका रिसोर्स लिंक शेयर कर देंगे, मल्टीपल यूज, मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल पब्लिक पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, और डिवाइस मल्टीपल डिवाइस पे हम ओपन कर देंगे. पब्लिशर्स के लिए, ऑथर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए एंड और जनरल ऑडियंस के लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद अ सिंगल लिंक. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कोई पेपर प्रिंट नहीं हो रहा है, कोई ऑनलाइन है, बाद में उसको लगातार कार्बन कॉपी के तौर पे यूज कर सकते हैं, कोई इस तरह की वो नहीं होगा, पेपर वेस्ट नहीं होगा. ये की डिफरेंस बिटवीन द ईपब एंड द पीडीएफ. कंटेंट रिफ्लोएबिलिटी, ईपब जो है वो हमारे कंटेंट को रिफ्लोएबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपका स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, जबकि पीडीएफ जो है हम लोगों का वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता उसका. जैसे ही हम पीडीएफ को अपने डिवाइस पर ओपन करते हैं तो उसको फॉन्ट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, हम नहीं रीड कर पाते, जबकि ऐसा ईपब के साथ नहीं है. हम ईपब को ओपन करेंगे तो 100% फॉन्ट के साथ दिखाई देगा और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा. इंटरएक्टिविटी हम पीडीएफ के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, जबकि ईपब के साथ हम इंटरएक्टिविटी ऐड कर सकते हैं. सेकेंड लाइन, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टू स्पीच फीचर्स को इनेबल करने के लिए उन सभी बच्चों के लिए जो टेक्स्ट टू स्पीच जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको सिर्फ टेक्स्ट सुन के ऑडियो सुन के उस किताब को पढ़ना है, तो उस फीचर्स को इनेबल करने के लिए ईपब को डिजाइन किया जाता है, ईपब को बनाया जाता है, जो कि जबकि पीडीएफ को ऐसा नहीं है. पीडीएफ के पास जो है फिक्स है, उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीड नहीं कर सकता. लेआउट एंड डिजाइन, हम ईपब को ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट पॉइंट इज लेआउट एंड डिजाइन, हम ईपब को जो है अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, उसमें सीएसएस ऐड करने के बाद, उसमें एचटीएमएल डिजाइन करने के बाद,
और बाकी इंटरैक्टिव फीचर्स ऐड करने के बाद, पॉपअप इमेज ऐड करने के बाद, पॉपअप फीचर्स ऐड करने के लिए बटन्स ऐड कर सकते हैं, प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं हम ईपब के अंदर, जबकि पीडीएफ में हम ऐसा नहीं कर सकते। जो एक बार पब्लिशर ने या ऑथर ने एक बार पीडीएफ को डिजाइन कर दिया है तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज डिवाइस कंपेटेबिलिटी। डिवाइस कंपेटेबिलिटी ये है कि कोई ईपब जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा किसी भी डिवाइस के साथ, वो प्लेटफॉर्म हो, कोई भी टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, स्मार्टफोन हो, डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो, जबकि पीडीएफ ऐसा नहीं करेगा। पीडीएफ जो जिस फॉन्ट में हम लोगों ने डिजाइन किया है वो उसी फॉन्ट में दिखाई देगा। एडिटिंग ऑथरिंग, हम लोगों को ईपब के लिए अगर हमको चेंज करना है ईपब में तो हमको पूरे ईपब को डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग सिर्फ उस ईपब को उस पर्टिकुलर चेंजेस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जहां हमको चेंज करना है वहां से जाके चेंज करके सिर्फ उसको सेव कर देंगे, हमारी बुक्स न्यू हो जाएगी। जबकि ऐसा हम लोग पीडीएफ के साथ नहीं करेंगे। पीडीएफ को अगर कुछ भी चेंज होगा तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर से उसको पब्लिश करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा, री अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए पूरी पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है और रिसोर्स वेस्ट होते हैं। तीसरा, ये इस तरह का ये सिजिल का जो सिंबल है, सिजिल सॉफ्टवेयर का सिंबल है, ये इस तरीके से दिखता है। आप इसको सिजिल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सिजिल गूगल्स पे जाके आप सर्च करेंगे सिजिल, तो ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको सिजिल पर। नेक्स्ट, ये उसका यूजर इंटरफेस है। जब हम लोग यूज सिजिल को ओपन करेंगे जब आफ्टर इंस्टॉलेशन का, तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पर हम लोग तीन चीज, यहाँ पर पूरा पैकेज इन लोगों ने दिया हुआ है। ये हमारा कोड व्यू है, ये हमारा डिजाइन फॉर्मेट है, चैप्टर डोंट द रैबिट होल, और ये इसका पैकेज बंडल है जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग अपनी HTML फाइल्स को क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग स्टाइल शीट स्टाइल्स जो हैं यहाँ पे हम अपनी कास्केड स्टाइल्स यूज करेंगे। तीसरा बंडल है इमेजेस का, यहाँ पे हम जितने भी यूज होने वाली इमेजेस हैं उन लोगों को उन सारी चीजों को इमेजेस को रखेंगे। जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर उस सारे फॉन्ट्स को यूज करेंगे। जो ऑडियो या वीडियो फाइल हम यूज करेंगे अपने ईपब को डिजाइन करने के लिए, इस ऑडियो सेक्शंस में हम सारी ऑडियो फाइल्स रखेंगे। एंड इसी तरीके से वीडियो एंड मिक्स कंटेंट, जो कोई मिक्स कंटेंट मिसलेनियस कंटेंट होता है, ये GIF की तरह हो गया हमारा, एनिमेशन फाइल्स हो गई है, ये आएगा। ये इसका लेआउट एंड फीचर्स है। नेक्स्ट स्लाइड इज ई बुक्स। हम लोगों की ई बुक्स एनसीईआरटी की ई बुक्स जो है वो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी, जहाँ हम लोगों ने 1 to 12 तक क्लास के सारी बुक्स रखी हुई हैं। पीडीएफ वर्सन और दीक्षा पोर्टल्स पर आप ई बुक को यूज कर सकते हैं, ई रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, एनर्जाइज टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं, वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। ई पाठशाला मोबाइल पोर्टल एंड मोबाइल एप्स पर भी आप फ्लिप बुक एंड ई फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज एनर्जाइज टेक्स्ट बुक। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक होता है जो जिस बुक के साथ हम QR कोड एम्बेड कर देते हैं, और उस QR कोड के साथ हम मल्टीपल फीचर्स को ऐड करेंगे। मल्टीपल फीचर्स को किसी भी QR कोड को एक्सेस करने के लिए वो एक इमेज होती है QR कोड की, जिसको हम स्कैन करेंगे तो वो हमको रिडायरेक्ट कर लेगा उस बुक के कंटेंट पर। तो इस फैसिलिटी को इनेबल करने की, इस फैसिलिटी को, कंप्लीट फैसिलिटी को एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक कहते हैं। डिजिटल कंटेंट वेरियस टॉपिक्स इन द फिजिकल टेक्स्ट बुक। QR कोड्स आर अटैच्ड टू द फिजिकल टेक्स्ट बुक एंड रिलेटेड कंटेंट इज क्रिएटेड ऑन द दीक्षा। दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर ऑफ द स्कैनिंग QR कोड इन दीक्षा। यू कैन एक्सेस हेयर टू दीक्षा वेबसाइट्स बाय क्लिकिंग इट। दिस इज एंड QR कोड, ये QR कोड क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। जब भी हम किसी QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो हमको रिडायरेक्ट करता है। जैसे कि हम लोगों ने किसी बुक के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, जैसे कि हम उसके लिए QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दिखाएगा, उसका ऑडियो फाइल्स दिखाएगा, उसका प्रोग्राम्स दिखाएगा, H5P कंटेंट्स, वो सारे कंटेंट्स जिसको हम मैप करेंगे QR कोड के साथ वो हम लोगों को शो होगा। ये स्टेप्स होते हैं क्रिएट करने के लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टेप्स टू जनरेट QR कोड्स, फर्स्टली हम बाद में इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे, फिलहाल मैं आपको नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट 4 कॉलम्स इन अवर गूगल शीट। सबसे पहले कॉलम का नाम हम डोमेन URL रखेंगे।
सेकंड का नाम रखेंगे हम कोड, तीसरे का कंप्लीट यूआरएल एंड तीसरे उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट, क्यूआर कोड यूआरएल रखेंगे। इसके बाद हम डोमेन यूआरएल को कॉपी करेंगे, फिल द कॉलम साइज फॉलोइंग। फर्स्ट वाले में हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारा बेस यूआरएल है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ई पार्ट्स अलग, ये अपना स्टेट का अपना अपना यूआरएल होता है, तो आप उसको अपने बेस यूआरएल, हम लोग एक्चुअली हमारा बेस यूआरएल ई पाठशाला डॉट एन आई सी डॉट इन और क्यूआर कोड स्लैश आई डी इज इक्वल्स, ये हमारा बेस यूआरएल है जो हम यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग हर बुक को एक यूनिक कोड दिया हुआ है, वी हैव टू राइट कोड ऑफ द टाइटल बुक 1064 चैप्टर 01। इसके बाद हम इन दोनों जो पहला एंड दूसरा जो डोमेन यूआरएल कोड को कॉन्केटिनेट करेंगे। इसके बाद तीसरा आएगा क्यूआर कोड इमेज, जो ये फॉर्मेट हमको लिखना पड़ेगा, इमेज HTTP QR QR kit dot com API QR, ये QR kit API जो है ये थर्ड पार्टी, क्यू आर आर सी किट एक ये ऑनलाइन API प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने क्यू आर कोड जनरेट करते हैं। ये क्यू आर कोड जो है इसे स्क्वायर बार कोड दैट कैन बी स्कैन यूजिंग द कैमरा और योर स्मार्टफोन और टैबलेट, सिंस इट इज ए फ्री एंड ओपन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम वो एक ऐसी इमेज जिसको हम क्यू आर कोड स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं, जो कि एक बार कोड के शक्ल में हम लोगों को दिख रहा है, ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो इसकी API यूज करने के बाद हम लोग इस QR कोड को जनरेट करते हैं, मैं एक डेमो दे देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम डोमेन यूआरएल लिखेंगे, के बाद हम सेकंड लिखेंगे कोड, के बाद हम थर्ड लिखेंगे कंप्लीट यूआरएल, एंड थर्ड लिखेंगे हम लोग क्यू आर कोड। फर्स्ट कॉलम में हम बेस यूआरएल पेस्ट करेंगे, सेकंड कॉलम में हम अपना कोड लिखेंगे, ये कोड आपका कोई भी कोड हो सकता है, जो आप अपनी बुक को एक यूनिकली कोड दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग कंप्लीट यूआरएल में कॉन्केटिनेट कर देंगे को,
सबसे पहले हमारा बेस यूआरएल डोमेन यूआरएल हुआ, फिर हमने कोड कोड लिखा 10604CS Chapter 01। इन दोनों यूआरएल्स को हमने कंकेटिनेट किया, ये हमारा फाइनल यूआरएल बन गया है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप यूज करेंगे, और इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
some technical, हाँ सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्यू आर कोड नहीं जनरेट कर पा रहे थे, जिसके लिए मुझे क्यू आर कोड देखना पड़ा। तो इसमें एक्चुअली वहां से हम कॉपी करेंगे सेम क्यू आर कोड, ये होगा तो ऑटोमेटिकली ये गूगल शीट जो है वो क्यू आर कोड जनरेट कर देगी। ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो गया है। हम दूसरा क्यू आर कोड बनाएंगे जिस तरीके से, सेम इसको कॉपी करेंगे। बेस यू आर एल को मल्टीपल यू आर एल्स में कॉपी किया, इसके बाद अलग अलग यू आर एल के लिए हम कॉपी करेंगे। ये चैप्टर 2 के लिए हो जाएगा, चैप्टर 3 के लिए हो जाएगा। मेरी स्क्रीन शेयर ना, 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। इसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड ड्रैग कर देना है। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिकली इसको ड्रैग कर लीजिएगा। हमारे मल्टीपल क्यूआर कोड्स सिंगल क्लिक पर जनरेट हो गए हैं, तो आप रिसाइज कर लीजिएगा। ये हमारा क्यू आर कोड जनरेट हो चुके हैं 5 चैप्टर्स के लिए। हमने इस चैप्टर्स को हम स्कैन करेंगे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। इसके अलावा इस तरीके से हम अपने क्यू आर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसको हम डाउनलोड करने के लिए सिंपल डाउनलोड करेंगे, यहाँ से जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे। हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। जस्ट ये ओपन, ये हमारा पीडीएफ में ओपन हो गया। इसको अलग एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, पीडीएफ टू इमेज, किसी भी वेबसाइट से जो पीडीएफ से इमेज करेगी आप क्लिक करके वहां पे चले जाएं, अपना पीडीएफ को ब्राउज करें।
हम पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, वो जिप फाइल में हम लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिज आर आवर जनरेटेड न्यूली जनरेटेड क्यू आर कोड विद देयर यू आर एल। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्यू आर कोड जनरेट कर लेंगे। सलमान सर, यस मैम। सर सारे पार्टिसिपेंट से बोल रहे हैं कि उनको क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है समझ में नहीं आया, थोड़ा पीपीटी स्लो जाती तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जी सर, क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है एक बार फिर से, सारे पार्टिसिपेंट्स मैसेज कर रहे हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है। जी सर, सबसे पहले हम ड्राइव में जाएंगे। ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ चूज करेंगे हम गूगल शीट्स। के बाद हम लोग उसको नेमिंग प्रोवाइड करेंगे हर एक कॉलम्स को। सबसे पहले हम लोगों ने डोमेन यूआरएल लिया, सेकंड कॉलम हम लोगों ने कोड लिखा, तीसरा हमने फिर कंप्लीट यूआरएल लिखा, तीसरा क्यू आर, चौथा क्यू आर कोड। हमारा बेस यू आर एल जो कि एनसीआरटी का है, जहां पर हम लोग अपने क्यू आर कोड रखते हैं। हर किसी स्टेट का एक अलग बेस यू आर एल होगा, जो कि अपना उन्होंने डोमेन नेम या यू आर एल या कोई वेबसाइट जहां पे वो रखेंगे, उसको जहां पे रिडायरेक्ट कराएंगे, वो खरीद सकते हैं या फिर रखेंगे। तो इसका बेस यू आर एल हम लोगों का एक कॉपी हो जाएगा। के बाद हम लोग क्यू आर कोड को कॉपी करेंगे। ये कोड क्यू आर कोड आपका, ये कोड कुछ भी, बुक कोड कुछ भी हो सकता है। चैप्टर वन का है ये फिलहाल, 1064CH01। इसके बाद हम इस दोनों क्यू आर को, इन दोनों यू आर एल्स को, डोमेन यू आर एल एंड कोड, इन दोनों को कंकेटिनेट करने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड स्टेप इज कॉनकेटिनेट 1 and 2। ये हमारा यूआरएल कॉनकेटिनेट हो गया है। के बाद हम ये फोर्थ यूआरएल जो है यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड जस्ट पेस्ट इट हेयर।
तरीके से हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। इसके बाद अगर हमको दूसरा क्यूआर कोड जनरेट करना है तो सेम रिपीट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, क्यूआर कोड कुछ भी क्यूआर कोड लिखेंगे, मैं CH1064 CH1 CH02, इन दोनों को कॉनकेटिनेट करेंगे जो कि ऊपर से आ जाएगा, इस तरह से ड्रैग कर लेंगे आप इसको, वो कॉनकेटिनेट हो गया हमारा फाइनल यूआरएल, जो कंप्लीट यूआरएल होगा वो ई पार्ट चला .nic.in QR=?ID=। सेम ऊपर वाला यूआरएल है, सिर्फ लास्ट का चेंज है, ये दोनों यूआरएल का कॉनकेटिनेशन है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ जाना है और इसको ड्रैग कर देना नीचे, हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। मल्टीपल क्यूआर कोड बल्क में हम लोग क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं, अगर हमको करना है तो हमको सिंपली ड्रैग करना है, इसके बाद फिर यहां से ड्रैग करना है, फिर सिंपली ये ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग बढ़ जा रही है, चैप्टर 2 के लिए है, चैप्टर 3 के लिए है, चैप्टर 4 के लिए है, चैप्टर 5 के लिए है। इसके बाद हम सिंपली ड्रैग करेंगे इसको, और क्यूआर कोड जनरेट हो गया। मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, आप यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिसाइज रोज 21 पिक्सल्स को आप 90 पिक्सल्स क्लिक कर देंगे एंड ओके। अब आपको ये विजिबल होगा। सिंपली हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे, हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है जो कि हमको डाउनलोड्स में मिलेगी। ये हमारी फाइल्स पीडीएफ फाइल है जिसमें क्यूआर कोड है, इसको सिर्फ हमको इमेज फाइल में एक्सट्रैक्ट करना है। जिसके लिए हमको क्या करना है, गूगल पर जाना है, सीधा पीडीएफ इमेज क्लिक करना है, टाइप करके सर्च कर लेना है, सबसे पहला यूआरएल है आई लव पीडीएफ, या कुछ भी जहां से जिस सॉफ्टवेयर या जिस ऑनलाइन वेबसाइट से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें वहां जा सकते हैं आप, सिंपली क्लिक करेंगे, एंड ब्राउज कर लेंगे सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स, तो ये हमारा न्यूली पीडीएफ है, ये ओपन हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट इमेजेस एंड कन्वर्ट टू जेपीजी, इसके बाद डाउनलोड जेपीजी फाइल्स करेंगे, वो पूछ रहा है आपसे कहाँ सेव करना, जहां भी आपको सेव करना है मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ ये डाउनलोड। सलमान सलमान सर, आपकी प्रेजेंटेशन हैंग हो रही है। दिख नहीं रहा है क्या? नहीं सर, कुछ भी दिख नहीं रहा। नेटवर्क इश्यूज हैं। मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया है इमेजेस वो मेरे पास जिप फाइल में डाउनलोड होके आ चुकी हैं, मैंने उसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। इसके बाद जस्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लिक करेंगे,
एंड एक्सट्रैक्ट, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट एंड रिप्ले। ये हमारे क्यूआर कोड जनरेट, न्यूली जनरेटेड क्यूआर कोड्स आ गए हैं। दिख रहा है मेरे प्रेजेंटेशन, दिख रहा है आपको? नहीं सर, मूव नहीं हो रही है प्रेजेंटेशन आपकी, स्टिल हो गई है। पर मैंने शेयर किया हुआ है, ये चल रहा है, शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है लगातार, कुछ सर ये शो नहीं हो रहा भी नहीं दिख रहा है। है। सर बस क्यूआर कोड का एक सेलेक्ट जो आपने किया था वही हाँ मैं लास्ट कर दी। वहीं पर हूँ, मैं अच्छा जी वहीं सर, पर जी हूँ। सर, ठीक हाँ है सर। बाकी ये मिनिमाइज करने के बाद अब क्या है। दोबारा शेयर कर रहे हैं अभी स्क्रीन आपके साथ। तो ये बार बार करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? हाँ जी विजिबल। मैंने 3 जगह प्रोसेस पूरा बता दिया ना। शशि मैम, सब लोग अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? यस मैम, कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। अच्छा, तो मैंने जो क्यूआर अभी कोड हमने स्क्रीन जनरेट शेयर कर किया कहाँ दिया से है, कैसे अनशेयर कर मिली दिया है है। मैंने, वो जरा हाँ अगर एक समझा सेकंड पाए सर, तो अच्छा हो तो जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ एक एक करके अपना हैंड रेज कर ले प्लीज, और जो सवाल हो हम आपके सारे सवालों को यहाँ पे एड्रेस करें। गुलशन मैम, मेरा एक सवाल है। हेलो गुलशन मैम, यस मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हाँ मेरा एक सवाल है। यदि यदि मैंने एक अपना फाइल क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट्स, तो मैं उसको उसका कैसे क्यूआर कोड बनाऊंगी? लिंक कहाँ से, ये क्या यूआरएल कोड सेम रहेगा या फिर वो कैसे जनरेट होगा? वो पहले आपको फाइल ड्राइव पे मैम रहेगा, आपके ड्राइव डॉक्यूमेंट पे अगर, ही। हेलो, हाँ हेलो, मैम, तो हाँ इसमें मैम जैसे, आपको, आपका अगर ऑनलाइन गूगल शीट में आपका डॉक्यूमेंट है, गूगल हाँ शीट यस में अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट बनाया है आपने गूगल शीट का, तो उसका यूआरएल होता है मैम, ओके जो आप शेयर करते हैं उसको, शेयर जब आप वहां से आप उसको यूआरएल लेंगे, वो बेस यूआरएल होगा आपका, ठीक अच्छा है। ओके यूआरएल से आप उस यूआरएल से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं मैम। ओके ओके थैंक यू, दिस ओनली आई वांटेड टू नो इट। ओके सर वो
क्यूआर कोड का जो कोड था इक्वल टू इमेज एसटीपीटी क्विक किट, जो लंबा सा कोड लिखा था वो कोड मतलब अगर चैट बॉक्स पे शेयर कर देते तो मेन तो वो कोड ही है, वो कोड मेरा प्रश्न भी यही था कि वो कोड कहाँ से, मतलब जो लिंक उन्होंने क्रिएट की थी जो हमको प्रेजेंट पीपीटी में दिख रही थी, वो कहाँ से उन्होंने जनरेट की और कैसे की, वो अगर हम समझ पाए तो बाकी सारी चीजें तो समझ में आई थी। वही एक हाँ नहीं नहीं वो क्वेश्चन कोड हाँ बेसिकली सर हाँ प्रोग्राम है, वो चाहिए। हाँ सर वो क्यूआर कोड हम आपको दे देंगे, वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, स्टेप्स के अकॉर्डिंग पूरा पीपीटी आपको शेयर कर दिया जाएगा सर। पीपीटी नहीं, वो कोड चैट में डालते हो सो दैट वी कैन वो फोर कॉपी स्टेप्स एंड क्रिएट। वो फोर स्टेप्स हम आपको दे देंगे सर। सर फोर मेरा स्टेप ये नहीं, सवाल था, क्यूआर क्यूआर कोड वाले कॉलम में जो कोड आपने लिखा ना लंबा सा पेस्ट किया वो यस वाला सर यस कोड। सर वो भी आपको हम आप वो क्यूआर कोड वो कोड भी आपको दे देंगे। एक्चुअली सर वो ओके एपीआई है, वो हम आपको दे देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं सर। बट ओके सर वो आया कहाँ से? मैम हम क्यूआरआईसी किट का एक वेबसाइट है जो क्यूआर कोड जनरेट करवाती है, वो ओपन सोर्स वेबसाइट है, वहां से हम लोगों ने उसकी एपीआई फेच किया है, अपना वेबसाइट ई पार्ट्स वाले वेबसाइट के साथ सिंक्रोनाइज किया है, उसके बाद हम उस क्यूआर कोड को जनरेट कर पा रहे हैं। आप भी सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो QRIC किट वाला थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे? दोबारा बताऊं सर? सर नहीं, QRIC किट उसका में वीडियो जाके सिर्फ डाल जनरेट दीजिए करना, सर। आप नए तरीके QRIC। से एक नया फाइल लेके बनाते हो, कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं उसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि आप कहाँ से ले आए। ओके सर आप ओके सर एक ओके सिंपल सा नया मैं कोई भी अगेन पीडीएफ अगेन बना के। अगेन अगेन एक एक सवाल जी सर मेरा जी सर जी सर, एक सवाल मेरा भी है सर। जी ये सर बताएं। बुक का जो कोड देते हैं तो वो कैसे देंगे ओके हम? सपोज मेरे पास ड्राइव में एक पीडीएफ फाइल है, उसके लिए हम क्यूआर कोड जी सर जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उस पीडीएफ फाइल का कोड क्या देंगे हम, जी कैसे सर देंगे? सर क्यूआर किसी भी चीज का क्यूआर कोड अगर आपको जनरेट करना है उसके लिए आपके पास एक लिंक होना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं वो चीज या तो ड्राइव पर हो या कहीं वेबसाइट्स पे या सर्वर पर वो अपलोड हो, उसी के बाद हम उसको पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, वहीं से एक लिंक हम लोगों को जनरेट होगा जिसके बिहार पर हम क्यूआर कोड बना सकते हैं। लिंक तो ठीक है सर, लेकिन बुक कोड जो है थर्ड नंबर सेकंड नंबर में जो कोड है, पहले तो बेस यूआरएल वो हो गया जी हमारा, सर उसका जो लिंक है वो, जी सर और उसके बाद जो कोड है जी वो सर कोड जो हम बुक का दे रहे हैं, तो वो कोड कैसे वो जनरेट होगा कोड या खुद कैसे से देंगे? जनरेट करेंगे वो, आपके वो कोड अकॉर्डिंग कोई होंगे फिक्स जी। नहीं, वो कोड कोई फिक्स नहीं है सर, वो कोड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोगों का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, किसी भी बुक को डिफाइन, हर एक बुक का हम लोग 300 के करीब बुक यूज कर रहे हैं, 278 279 के करीब हम लोग टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, हर बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं, मल्टीपल चैप्टर्स हैं, हम लोगों ने एक यूनिकली कोड लिखा हुआ है जो कि मैंने जी वहां लिखा है। आप अपने जी अकॉर्डिंग कोई भी बुक को या चैप्टर को कोई भी क्यूआर कोड वहां पे फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस क्यूआर कोड और कोड के अकॉर्डिंग वो जनरेट हो जाएगा सर। अच्छा जी, धन्यवाद सर सर। पहले बेसिकली क्यूआर जनरेट करते हैं, बाद में उसमें मल्टीपल अपलोड करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? सिर्फ सिंपली आप एक सिंगल एक क्यूआर कोड बनाए, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन करना है जिसमें बेस डोमेन यूआरएल लिखना है, ठीक है? उसके बाद मैं ओरली आपको एक स्टेप बता देता हूँ। चार चार सिर्फ चार कॉलम है सर मैम। सबसे पहले हम लोग बेस यूआरएल लिखेंगे, वो जो भी आपका बुक का यूआरएल होगा या वेबसाइट का यूआरएल होगा, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी चैप्टर का अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोड दे देंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी कोड आप उसको दे दीजिएगा। उसके बाद बेस यूआरएल और कोड को एक साथ कंकेटिनेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप डायरेक्ट अपना कंप्लीट यूआरएल से भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एक ब्लैंक सीएसवी के अकॉर्डिंग। मेरे स्क्रीन शेयर है सर? सर मेरे मेरे स्क्रीन शेयर है मैम? नहीं नो अभी सर तो नहीं दिख नो रहा, सर नहीं शेयर नहीं हो रहा है अभी।
दिख रहा है सर? ठीक हाँ सर, अब दिख रहा है। है, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, हम ठीक जस्ट ड्राइव पर जाएंगे। मैं एक बार अगेन कर देता हूँ, ड्राइव क्लिक करा, गूगल ड्राइव जस्ट ओपन करा। यहाँ पर क्लिक किया हम लोगों ने, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शीट ले नहीं दिख ली। रहा है, नहीं हो रहा सर, नहीं आगे दिख रहा, नहीं बढ़ रही निकल है नहीं रहा है। स्लाइड, पीडीएफ, ट्विस्टेड है। पीडीएफ शो हो रहा है सर, आपने जो पीडीएफ डाउनलोड फ्रिज किया है था ठीक वो शो हो रहा है, है। ठीक है। अब दिख रहा है सर? यस दिख रहा है सर, सर। अब आपका ड्राइव दिख रहा है सर। यहां से हम क्लिक करेंगे न्यू गूगल शीट पर। गूगल मैं इसी पीपीटी का एक क्यूआर कोड आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। सिर्फ यहां से आप उसका शेयर करने, दिख रहा है सर? ठीक तो शेयर में कौन सा ऑप्शन दिया? क्या सेकंड? हम दिख रहा है तो हाँ सर, दिख रहा है। जस्ट यहां पे हम कॉपी करेंगे यहां से डोमेन यूआरएल। यहां पेस्ट करेंगे, ठीक है सर? फिर अगेन कॉपी करेंगे, कोड, फिर अगेन कॉपी करेंगे, कंप्लीट यूआरएल, अगेन नेक्स्ट करेंगे क्यूआर कोड। इसके बाद हम लोग अपना बेस यूआरएल ले लेंगे, कॉपी किया, जस्ट यहां सिंपली पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्यूआर कोड कोड लेंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक चैप्टर्स को। इसके बाद कंप्लीट यूआरएल में इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देंगे यहां तक कॉपी करके सर। हमारा यूआरएल कॉन्केटिनेट हो चुका है। इसके बाद फोर्थ एंड फाइनल स्टेप आता है हम लोगों का, जो एक ये एक लंबा सा जो कोड जिसको आप कह रहे थे, ये एपीआई का कोड है। इसको पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे एज इट इज एंड यहां पर पेस्ट कर देंगे। सर हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, दिख रहा है सर आप लोगों को? सर, ये डोमेन यूआरएल जो आपने लिया, ये डोमेन यूआरएल क्या फिक्स रहेगा या हमारी फाइल के लिए चेंज हो जाएगा? नहीं सर, मैं आपको एबीसीडी करके दिखा देता हूँ आपको। एक बेसिक यूआरएल, ये हमारा एक यूआरएल है जो कि कुछ भी लिख दिया यहाँ पे आपने, ये कुछ भी लिख दिया है आपने। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, ये कॉन्केटिनेट यूआरएल हो गया है। और इसके बाद सिंपली एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है सर इस यूआरएल के लिए वही सर, लेकिन डोमेन यूआरएल में हम कौन सा यूआरएल लेंगे, वही पूछ रहा हूँ। भी। डोमेन यूआरएल में सर आपका जो भी बेस यूआरएल हो, हम लोगों का ई पाठशाला पे जितने भी क्यूआर कोड हम लोग स्कैन करते हैं वो हमें रिडायरेक्ट कर देते हैं हमारी ई पाठशाला वेबसाइट पर, दीक्षा पर या मोबाइल ऐप पर। तो आपका जो भी कोई बेस यूआरएल होगा, ये यूआरएल फिक्स नहीं है। मैंने एक सैंपल के तौर पे ओके ओके, ये यूआरएल हाँ समझ एक, गया यस सर, समझ यस गया, सर, यस थैंक यू सर, सर।
आप क्यूआर कोड भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बुक कोड भी आप चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट यूआरएल भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक फैच करना है। ये स्टेप्स, ये चार स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आप किसी भी तरह से क्यूआर, हर आपका किसी भी बुक के लिए आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने एक एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट के लिए कर लिया, अब वही क्यूआर कोड में हमें मल्टीपल कुछ और अपलोड करना है, कुछ और बक्शी किसकी अपलोड करनी है उस चैप्टर, तो क्या हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? हाँ यस मैम, एक्चुअली हाँ, आप हम लोग इसमें एक क्यूआर कोड के साथ हम मल्टीपल रिसोर्सेज मैप कराते हैं, जैसे कि हमारा ऑडियो फाइल्स भी हम अपने क्यूआर कोड के साथ मैप कराएंगे जी, और अपना ऑडियो फाइल्स भी हम मैप करा देते हैं, और गेम्स वगैरह जो पीपीटी वगैरह बनाते हैं वो भी मैप्स करा सकते हैं, बुक रिसोर्सेज भी हम मैप करा सकते हैं। उसके लिए मैम मैपिंग होगी उसकी, वो एक अलग टास्क है मैम, वो मैपिंग होगी। आप एक क्यूआर कोड से मल्टीपल रिसोर्सेज कनेक्ट कर सकते हैं मैम। सर ओके सर, ये पर वो अगर सर हम नहीं बता सकते आप कैसे करते हैं? सर मैम वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ओके सर, सर अगर हम वेब ऑनलाइन गूगल पे जाके क्यूआर कोड जेनरेटर करेंगे, और एक हम जो हमारा सोर्स फाइल जो ड्राइव में है या यूट्यूब वीडियो है कोई है, तो उसका लिंक डायरेक्टली क्यूआर कोड जेनरेटर पे पेस्ट करेंगे, तो वो एक क्लिक में जनरेट हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो हजारों ऐसे क्यूआर कोड एक टाइम पे तो नहीं बना रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, आप वहां से भी यूज हाँ कर वो सकते हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बल्क में क्यूआर कोड आप बस एक बार आपको ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसके बाद आप सिंपली ड्रैग करोगे, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा और एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल जाएगा सर। सर, हाउ डू यू रिसाइज द क्यूआर कोड? मैम जस्ट ये तो एक्सेल सीट को रिसाइज कर रहा हूँ मैं, आपका एक जर्नल जो उसका क्यूआर कोड किट जो आपको प्रोवाइड करती है, एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो आप नॉर्मल है, उसको पेंट में जाके आप रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल जस्ट यहाँ क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए, ये जस्ट यहाँ पे जितना भी रिसाइज करना है आपको, 90, 95, 97 जो भी है, वो ऑटोमेटिकली उसका रो साइज बढ़ जाएगा मैम। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन सर? सर एक बार अभी अगर आप लिंक शेयर करते तो हम भी प्रैक्टिस कर लेते, हैंड्स ऑन कर लेते। ओके मैम, मैं शेयर कर देता हूँ मैम। ओके हाँ मैम, मैंने आप सभी लोगों को चैट कर दिया है वो स्टेप्स, आप वहां से यूज कर लेके कॉपी करके यूज कर सकते हैं मैम। और कोई क्वेश्चन? सर वो क्यूआर आईसी किट से जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो कोड आप ला रहे हैं वो जी कोड सर, कैसे हम अपने लिए कर सकते हैं? सर वो क्यूआर आप सिंपली जस्ट ये फोर स्टेप्स जो मैंने आपको दिए हैं, जो अभी चैट पे मैंने शेयर किया है, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा सर। मैं कहीं से नहीं लेके आ रहा हूँ, इन नो चार नो स्टेप्स फोर फोर फोर्थ फोर्थ स्टेप में जो फोर्थ कॉलम में आपने जो कोड लिखा है वो कोड
सबके लिए वही अप्लीकेबल है, या हम जैसे QRIC किट में जाके उसको लाना पड़ेगा? नहीं, बस ये जस्ट आप गूगल डॉक्यूमेंट शीट खोलिएगा, जस्ट सिंपली ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। नहीं, QR कोड जनरेट तब हो जाएगा जब QR कोड वाला जो प्रोग्राम का जो लाइन है, जो कोड वहां पे लिखा आपने फोर्थ कॉलम में गूगल सीट में हाँ जो, सर, मैंने मैंने आपको वो दे दिया है सर, वही लिखना है तो आपको। वो हाँ सेम सर लिखना है सबके लिए? अच्छा सर, सेम सेम लिखना है सर, वो सर वो सेम लिखना ठीक है। ठीक ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस जो है क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। कभी कभी ये होता है कि हमारा हैंड्स ऑन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो शायद वो स्टेप्स जो है क्लियरली जो है आप तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है क्लैरिटी मिली है कॉन्सेप्ट की, कि क्यूआर कोड कैसे बन सकते हैं, ईबुक ईपब्स क्या होते हैं, और ईपब में फ्लिपबुक में क्या डिफरेंस है। तो मुझे लगता है अभी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताइए, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि क्यूआर कोड जरूर अपने कंटेंट आप जो भी क्रिएट करेंगे उन पे क्यूआर कोड एम्बेड करें। हाँ तो ये स्टेप्स सलमान सर ने शेयर करे हैं, एक बार प्रैक्टिकली आप जरूर करिएगा। इक्वल टू इमेज के बाद से कॉपी नहीं हो पा रहा है। हाँ मैम बताइएगा, मैम कुछ पूछ रहे थे आप। यस मैम, वो QR कोड के बाद जो इक्वल टू इमेज के बाद से पूरा कॉपी करना है वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा सलमान सर, एक बार आप देखिए, क्यूआर कोड के बाद इक्वल टू कभी जो इमेज कॉपी कर रहे हैं ना वो नहीं हो। वो कॉपी नहीं हो पा रहा है मैम। से सिर्फ लिंक कॉपी हो पा रहा है। नहीं मैम, आप पूरा कॉपी, ये पूरा कॉपी हो जाएगा। इज इक्वल टू से आप इमेज लेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट यूआरएल आपको कॉपी करना पड़ेगा। मैंने पूरा दे दिया है आपको, वहां से कॉपी नहीं हो पा रहा है वहां उसके। यहां से डायरेक्ट नहीं हो रहा है सर, उसको टेक्स्ट पे लेकर के फिर कॉपी कर रहे हैं तो हो जा रहा हाँ सर वो वैसे ही कर लीजिएगा आप। है। वो एक्चुअली वहां पर हाइपरलिंक बना दे रहा है HTTPS के पास, इसकी वजह से इक्वल टू से कॉपी नहीं हो रहा, लेकिन टेक्स्ट पे ओ ले लेंगे तो। नॉर्मल, हाँ जस्ट सिंपली आप वहां जाएंगे मैम, उसको कॉपी कीजिएगा, उसको आप नोटपैड में ओपन करके टेक्स्ट बना लीजिएगा, उसके बाद आप कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा वो कॉपी। ये पूरा मैसेज ही तो कॉपी नहीं हो रहा है सर, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए, ताकि हम समझ पाएं कि आप क्या इशू फेस कर रहे हैं। अगर आपका मैसेज कॉपी नहीं हो रहा, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। हाँ यस मैम, मैं कर रहा हूँ, प्लीज अलाउ प्लीज अलाउ कीजिए। एडमिन को स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दीजिए। जी व्हाट्सएप में आ गया है सर, व्हाट्सएप में आ गया है, वहां से कॉपी कर सकते हैं।
हाँ नहीं सर, एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए, हम देख लेते हैं। मैं ग्रुप पर है ना, केवल ये मैंने इमेज वाला जो लिंक है उसे अकेले सिंगल को डाल देता हूँ। रिक्वेस्ट किया है स्क्रीन शेयर करने के लिए। हाँ एडमिन प्लीज इनको स्क्रीन शेयर की परमिशन दे दीजिए सर को। ओके आई मैनेज द टू डू द QR कोड। थैंक यू सर। वो मैसेज भी आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो वो कॉपी हो जाएगा, कॉपी का ऑप्शन आएगा। ये जो है सर ये इस तरह से आ रहा है। हाँ ये तो कुछ एरर इसमें दिखा रहा है एक्सेल शीट में, या आपने जहां से आप कॉपी कर रहे हैं ये आप इमेज नहीं कॉपी नहीं करके डाले हैं यहाँ मैं पर वो जी? दिखाना चाह रहा था मैम। मैं एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हाँ हूँ। दूसरी विंडो शेयर कर लीजिए जो आप दिखा रहे हैं। जी 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 मैम। कॉलम नेम तो दिया ही नहीं। जैसे ये चैट है ना मैम, यहाँ से इसको स्क्रीन शो हो रहा है ना मेरा मैम। हो हेलो, रहा है बट चेंज चेंज नहीं हो। हाँ हो हाँ पर रहा है। डेस्कटॉप दिख रहा है सर। चैट चैट नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में। नहीं नहीं चैट चैट बॉक्स बॉक्स में नहीं, यहाँ पर डेस्कटॉप दिख रहा है हमें अभी। अभी अभी भी डेस्कटॉप नहीं। दिख रहा है अपना, जो आपका स्क्रीन है ना लैपटॉप का वो दिख रहा है बस। ओ ये हाँ चैट आप वो बॉक्स विंडो ओपन कर दीजिए जो, नहीं चैट बॉक्स तो नहीं दिख रहा सर, जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं वो विंडो ओपन करके फिर स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा ठीक है मैम। हाँ जूम में रख के जूम को ही शेयर करना चाहते। 1 मिनट स्टॉप से। हाँ वो नहीं होगा क्या सर? ना होता है। लॉन्ग प्रेस कीजिए ना, वो कॉपी हो जाएगा। आप जो चैट बॉक्स में जो मैसेज आया उस लॉन्ग प्रेस कीजिए, अपने आप कॉपी टेक्स्ट का मैसेज आएगा। हाँ, ये मैंने भी वो लॉन्ग प्रेस करके ही वो कॉपी किया है वो मोबाइल में। सर मोबाइल नहीं, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ना, लेकिन ये जो है कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें मैसेज से कॉपी करने का। राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। यस थैंक यू सर, हो गया मैम। हो गया, चलिए यस मैम। धन्यवाद सर। ठीक है अभी आप अन शेयर कर लीजिए। जी, हम शेयर कर दिया मैंने। हाँ ठीक है सर। इसी के साथ मैं सलमान सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को इतना बहुत इंटरेस्टिंग बहुत धन्यवाद सर। स्टाइल में सुनने के लिए। आप लोगों ने सब ध्यान से सुना और समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है जी, बहुत अच्छी थोड़ा सा ये जानकारी थी। जो और अब प्रोसेस हम है टेक्निकल है, और सलमान साहब हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट ही है, तो मतलब टेक्निकल चीजों को समझने में जरा सा टाइम लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप सब लोग कर पाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है QR कोड बनाने का भी। तो अभी मैं लंच ब्रेक से पहले बस दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके